अरे क्या है, बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, कभी कभी बच्चों को पूरी कहानी जो है ना वो नाटक बना के दिखानी भी पड़ती है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ना, मान लो तुम भी या मैं भी, तो वो खुद उस गड्ढे में गिरते हैं। ये एक मुहावरा है जो मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। महाराजा साहब को, बादशाह साहब को बीरबल ज़्यादा प्यारा है, तो वो हमेशा चिढ़ता रहता है। तो उसने एक गड्ढा खोदवाया, एक प्लान बनाया कि इसको आज मरवा देता हूँ। अकबर जानते हैं कि बीरबल समझदार है और कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा। जब देखो तब वो मुझे नीचा दिखाते दरबार में, तो मैंने सोचा कि बीरबल को पाठ पढ़ाया जाए, और इसीलिए मैंने अकबर बादशाह से कहा कि मैंने सपने में, सुबह सुबह के सपने में मैंने जन्नत में देखा है कि उनके पिताश्री शहनशाह हुमायूं जन्नत में हैं और वहाँ उन्हें एक सलाहकार की ज़रूरत है, बीरबल जैसे सलाहकार कहाँ मिलेंगे। सो बादशाह अकबर भी मान गए हैं और अब बीरबल को जाना पड़ेगा जन्नत में। जब तक आदमी फंसेगा नहीं तब तक बताएगा कैसे कि निकलने का रास्ता क्या है। इसलिए सबको समझाने के लिए, बादशाह को समझाने के लिए, पूरी प्रजा को समझाने के लिए बीरबल चीज़ों में जानबूझ के फंसता था कि ठीक है चलो फंस रहा हूँ मैं, लेकिन कोई ना कोई उपाय मैं निकाल ही लूँगा। आई एम श्योर इस बार भी ये जो मुझे फंसाने की कोशिश की गई है, जो मुझे ज़िंदा दफनाया जा रहा है ताकि मैं ऊपर पहुँच जाऊँ शहनशाह हुमायूं के पास उनका सलाहकार बनने, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें भी मैं बीरबल कोई ना कोई तोड़ निकाल लूँगा। क्या तोड़ निकालूंगा ये जानने के लिए आपको चिड़ियाघर देखना पड़ेगा। नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता मैं फंसूंगा इस बार, क्योंकि मैंने वो सारी तैयारियां कर ली हैं जो मुझे करनी चाहिए थी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये मैंने रात भर में सोचा और मैंने कर दिया। बादशाह अकबर को हमने थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाया। वहाँ जो शहनशाह हुमायूं हैं, जो उनके अब्बा हुजूर हैं, वो सही फैसले नहीं ले पा रहे हैं, तो एक अच्छे सलाहकार की उन्हें ज़रूरत है। बीरबल जैसा सलाहकार तो मिलना मुश्किल है। तो हमने ये बात उनके दिलो दिमाग में बिठा दी है कि सिर्फ बीरबल ही एक बंदा है जो जन्नत जा सकता है और शहनशाह हुमायूं का सलाहकार बन सकता है। सो मुझे नहीं लगता इस बार ये ना ही कहीं फंसने वाला है। जैसे जैसे पानी उस लेवल तक पहुंच जाएगा कि सांस लेना मुश्किल हो जाए, वैसे वैसे दिमाग अपने आप चलता जाएगा कि कैसे इनकी चाल का जवाब दिया जाए, कैसे अपनी जान बचाई जाए। यहाँ खुद पे बनाई है, बीरबल की खुद की जान पे बनाई है, तो अब तो कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ेगा। उसमें मज़ा ये आ रहा है कि इस बार मैं फंसा तो रहा हूँ इन्हें, लेकिन ये भी नहले पे दहला मार रहे हैं, चौके पे चौका मार रहे हैं। सो ये मज़ा आ रहा है कि जनरली देखा गया कि चिड़ियाघर में मैं ज़्यादातर हावी रहता हूँ मेरे छोटे भाई पे, लेकिन इस बार छोटा भाई छोटा भाई नहीं है, बीरबल है। अब ये बीरबल कैसे हावी होता है और क्या करता है, उसके लिए आप देखिए चिड़ियाघर। हम काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं और मुझे ये पूरा यकीन है कि ऑडियंस भी हमारे इस एपिसोड को बहुत पसंद करेंगी। तो देखना मत भूलिए चिड़ियाघर सब टीवी पे रोज़ सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। थैंक यू।